हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड कमेंट सेक्शन को चेक कीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आज का टॉपिक है हु इज़ डेस्टाइंड फॉर यू। आपकी डेस्टिनी में जो पर्सन है, आपकी फ्यूचर पाउस, आपकी फ्यूचर पार्टनर, वो कैसे होंगे, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी केमिस्ट्री, उनकी जॉब, कैरियर, उनकी जोडियक साइन भी देखेंगे एंड इनिशियल्स भी देखेंगे। हम टैरोट से भी दिन देखेंगे, लाइव टैरोट शफल होगी। बट आई हैव यूज 9 ओरेकल डेक्स, इसीलिए मैं ऑलरेडी ओरेकल डेक्स को शफल कर चुकी हूँ क्योंकि टाइम बचाना था। ओके, पाइल 1, फ्रीडम। चूज इंट्यूटिवली, आपको नंबर से चूज नहीं करना है। जो पाइल, जो कलर आपको अट्रैक्ट करती है उसी को चूज कीजिए। पाइल 1 फ्रीडम, पाइल 2 लव, ओके, पाइल 3 दिस हैप्पीनेस। सो चूज इंट्यूटिवली, रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने पाइल को चूज कीजिए एंड टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हुए पाइल 1 फ्रीडम। हेलो पाइल 1, वेलकम टू माय चैनल। हम आपकी पार्टनर की जोडियक साइन एंड इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे, टैरोट से भी देखेंगे। पहले हम ओरेकल्स मैसेज देखते हैं। चलिए उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, डिलेटेंटी एंड आर्टिस्टिक। ओके, आर्टिस्टिक क्वालिटीज है, मल्टी टास्कर है। एक्चुअली आपकी पर्सन मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। यू नो, इनको कभी कभी ना वो मान लीजिए सोशल मीडिया में बहुत सारे पिक्चर डालना, शो ऑफ करना, कोई ड्रेस खरीद लिया, कोई परफ्यूम खरीद लिया, तो इनको एक शो ऑफ ही नेचर है, एक शो ऑफ ही नेचर है। बट दे हैव क्रिएटिव एबिलिटीज, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में ये सिद्ध हस्त है, एक्सपर्ट है, मास्टर है, डेफिनेटली। एंड इनका एक शो ऑफ ही नेचर है, एक बॉसिज्म, शो ऑफ करने वाली एक नेचर है इनकी। एक साथ बहुत सारे काम करने की मतलब टैलेंट उनमें है, बहुत सारे काम को एक साथ मैनेज करना। मुझे लगता है इनकी एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोफेशन हो सकती है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब है तो कोई दूसरे एक पार्ट टाइम बिजनेस कर लेंगे इनकम को बढ़ाने के लिए। दे आर अबंडेंट, आर्टिस्टिक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक से, मतलब आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ भी, डांस मान लीजिए, म्यूजिक मान लीजिए, क्राफ्ट मान लीजिए, कुछ ना कुछ इनके क्वालिटीज होंगे डेफिनेटली। अगर ये प्रोफेशन नहीं भी है, क्वालिटीज इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज है, बहुत ही रोमांटिक होंगे क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ही रोमांटिक क्वालिटीज होती है। दे रिस्पेक्ट आर्ट, कदर करना जानते हैं जो भी शख्स है, मल्टी टास्कर, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एक वर्सेटाइल जूनियर्स पर्सन जो भी है। ओके ओके ओके, हु इज डेस्टाइंड। ओके स्कॉर्पियो, ये पर्सन तो बहुत ही पैशनेट पर्सन है, बहुत ही पैशनेट पर्सन, बिकॉज स्कॉर्पियो मार्स की एनर्जी है, बहुत ही, मैं ऐसे बोल रही थी ना, थोड़ी जैसे स्टेबन होंगे ये, थोड़ी स्टेबन नेचर है, थोड़ी इम्पल्सिव नेचर है इनकी। इनकी बिहेवियर अनएक्सपेक्टेडली चेंज होती है कभी कभी, मतलब थोड़ी फिकल माइंडेड है। इनकी एक स्विच है, जो एक बटन है इनके पास जो ऑन ऑफ होती है, और वो बटन वो खुद ही ऑपरेट करते होंगे। इनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करते होंगे, अभी रोमांटिक है, अभी ठीक है, तो अभी या टू अ पेंटिकल जगलिंग चलना, ये एनर्जी थोड़ी कन्फ्यूज है, थोड़ी कन्फ्यूशन इनको हो जाती है चीज़ों को लेकर। इतने सारे काम करने जाते हैं ना, तो बहुत बिजी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ही बिजी वर्कहॉलिक की एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, कंफ्यूशन, स्ट्रेंथ, वाओ, सी दिस कार्ड। अपने ईगो इशू पर, अपने एडिक्शन पर किसी ने जैसे विजय हासिल कर लिया हो, स्ट्रेंथ, रिकवर करना,
ये जो एडिक्शन थी, इस एडिक्शन से बहुत जल्दी उनका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, उस एडिक्शन से जैसे किसी को विजय हासिल हो गया हो। ओके ओके ओके, मैं सिर्फ जजमेंट को ही लूंगी। ओके, दिस इज अ रिकॉन्सिलेशन कार्ड एक्चुअली, जजमेंट। ओके, कोई पास्ट कनेक्शन है, बैक टू बैक मेजर अरकाना, सो पास्ट कनेक्शन है यहाँ पर। उफ, किंग ऑफ कप्स, ये एनर्जी मेंटली बहुत स्टेबल हो चुकी है। एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दे आर अबंडेंट, दे आर अबंडेंट, रिच, वेल, दे फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एंड थ्री ऑफ कप्स, हो सकते हैं आपकी फैमिली जोन से या फिर फ्रेंड जोन से या फिर कलीग से। दिस इज ए नोन पर्सन डेफिनेटली, और फैमिली के थ्रू से पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है, फ्रेंड्स के थ्रू से, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स है, ऐसी कुछ हो सकती है आपकी। सो दिस इज योर पर्सन, इनकी कैरेक्टर कैसे होंगी? ये बहुत ही पैशनेट, बहुत ही मैस्कुलर एनर्जी है, बिकॉज द स्कॉर्पियो एंड द किंग ऑफ कप्स एंड द लियो, दे आर वेरी वेरी मैस्कुलन। देखिए वो मेल है, मैं नहीं बोल रही, मैस्कुलन का मतलब वो फीमेल भी हो सकते हैं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, चीज़ों को वो रोक कर रखने वाली पर्सन नहीं है, मतलब एक डिसीशन उनको चाहिए लाइफ में, एक कंक्लूजन के पीछे भागना, चीज़ों को होल्ड करके रखना इनका स्वभाव नहीं है, बहुत ही पैशनेट है ये, मैस्कुलन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है ये, मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बट इनकी बिहेवियर कभी कभी ना वो स्विंग करती होंगी बहुत ज़्यादा। बट इनका फर्स्ट कार्ड आया था टावर, और धीरे धीरे उनकी कैरेक्टर किस तरह से बदल रही है, देखिए किस तरह से वो स्टेबल हो रही है अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन से आपने पहले जब मिला था वो इस कैरेक्टर में थे, अब धीरे 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 वो जैसे आपके थ्रू में वो स्टेबल हो रही है। कोई मेडिकल फील्ड से पर्सन हो सकते हैं, लिटरली कोई हीलर, कोई एनर्जी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ मार्स एनर्जी मुझे लगता है वो डिफेंस एरिया में हो सकती है पर्सन, डिफेंस, मिलिट्री फोर्स, ऐसे कोई एरिया में। डॉक्टर, डॉक्टर एंड ए सब पेंटिकल्स, बैंक, फाइनेंस में हो सकती है पर्सन। एंड सेवन ऑफ कप्स, ए वाटर साइन होती है, इमोशंस, ए पर्सन इमोशनली ना बहुत ज़्यादा कभी कभी डिटैच्ड हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स एक बिजी रहते हैं, तो वर्कहॉलिक की वजह से इनको चूज करना पड़ता है फैमिली, प्रोफेशन, इनमें कभी कभी ना ये थोड़ी अपने आप को डिटैच कर लेते होंगे। अगेन जब वो इस चीज़ से उभर कर आते हैं तब वो मेंटली बैलेंस होते हैं, एंड अगेन वो आपके पीछे भागना, एक सॉरी भी कह देंगे। जजमेंट इज ऑल अबाउट रिकॉन्सिलेशन, ये बहुत ज़्यादा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा जगलिंग करती है, कभी प्रोफेशन को देखें, कभी फैमिली को देखेंगे, कभी एक एनर्जी में है, कभी दूसरे एनर्जी में, हमेशा इनके लाइफ में एक जगलिंग है, बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में, बिकॉज दिस ऑल अबाउट किंग ऑफ कप्स इज बैलेंस, मेंटली बैलेंस होना। एंड दे बिलोंग टू ए वेरी रिच वेल्दी फैमिली, कोई न्यू जॉब इनको मिल सकता है, कोई न्यू बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रही है, सो दे विल बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल। जजमेंट इज ऑल अबाउट योर पास्ट कनेक्शन, पास्ट से कोई रिटर्न करने वाले कोई पर्सन जो जिनके साथ आपकी एक रिकॉन्सिलेशन होगी। दिस इज योर डेस्टिनी, ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन है, बिकॉज जजमेंट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। एंड सी दिस, लियो एनर्जी इज ऑल अबाउट, जिन्होंने अपने ईगो इशू पर, अपनी जो भी एरोगेंसी था उन पर ये कंट्रोल कर चुके हैं, एंड वो किंग ऑफ कप्स बने हैं, दिस इज मेंटली एक बैलेंस्ड हो गई है। एंड थ्री ऑफ कप्स, या आपके फ्रेंड जोन से हो सकती है जो भी पर्सन हो, या फिर फैमिली के थ्रू से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है। अगेन, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वंड्स, ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव, मैं उसे बोल रही थी ना क्रिएटिव फील्ड से होंगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बिजनेस मैन, वुमैन, एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं पर्सन। पेज ऑफ वंड्स, पहले पेज थे वो धीरे धीरे मैच्योरिटी होना, देखिए किस तरह से उनकी मैच्योर हो रही है पर्सन, कि मैं बोल रही थी ना मैच्योर हो रही है धीरे धीरे, किंग की एनर्जी में बैलेंस हो रही है ये डेफिनेटली। मैजिशियन, ट्रिक स्टार, कोई हायर स्टडीज इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकती है, बट बी टेक, एम टेक, पीएचडी करना, ऐसी कोई फील्ड में हो सकती है, हायर स्टडीज, कम्युनिकेशन इनको इम्प्रूव करने की जरूरत, बिकॉज जजमेंट एंड द मैजिशियन, सो डेफिनेटली इनका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाती है जल्दी, उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड दे आर मैजिशियन, दे आर ट्रूली मैजिशियन, इनके साथ ना आपका एक यूनिवर्सल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ,
बिकॉज द जजमेंट एंड द मजिशियन, एक टेलीपैथिकली आप दोनों की एक कनेक्शन होगी, बोले बिना समझ जाना, ऐसी एनर्जी होगी इस पर्सन की. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. अगर बिल्कुल आप सिंगल है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी पर्सन लाइफ में आएंगे, विद इन 2 to 3 months के अंदर ही. कोर्टशिप, एंगेजमेंट, सी दिस कार्ड, कोर्टशिप डेफिनेटली. दिस इज ए मैरिज मटेरियल, दिस पर्सन इज टोटली मैरिज मटेरियल फॉर यू. फोर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, तो हो सकता है आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर टीनेजर में कभी मिले होंगे. एंड मैसेज ऑफ कंसर्न से मुझे लग रहा है पर्सन डेफिनेटली थ्रू कम्युनिकेशन, इफ यू नो दिस पर्सन सो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होगी, तब जाकर एक कनेक्शन मैरिज तक पहुंचेगी. एक कम्युनिकेशन की जरूरत है. एंड इफ यू टोटली सिंगल पर्सन है तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ कंसर्न, कुछ ना कुछ को लेकर इनकी लाइफ में ये वरीड है अभी हाल फिलहाल. जब तक ये सॉल्व नहीं होगी तब तक ये आपकी लाइफ में एंट्री नहीं लेंगे अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं. दिस इज योर 2 मास्टर कार्ड, हम लास्ट में देखेंगे. एंड ये आपकी आपके एडवाइस कार्ड हैं. ब्लूजूमिंग अबंडेंस नंबर 3, सो डेफिनेटली आप दोनों आफ्टर मैरिज ग्रो करेंगे. आप दोनों की अबंडेंस ग्रो होगी आफ्टर मैरिज. ये हो सकते हैं, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये अबंडेंट है, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे. 2 times किंग की एनर्जी है सो डेफिनेटली रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे. द गार्डन एंड द गेट, बिल्कुल उस कुछ कुछ ना कुछ बॉटम एकदम स्टार्टिंग लाइन में ये पर्सन खड़े हैं, या तो फिर ये पर्सन आपको जानते होंगे एंड दे हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन कि आप रिजेक्ट कर दोगे. एंड आई एम सीइंग दिस की हियर, कुछ ना कुछ लॉक है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में लॉक है, ब्लॉकेज है, इनको खोलने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है कोई जैसे अपने फैमिली बनाने की कोशिश में, बिकॉज आई एम सीइंग दिस हाउस, लिटरली कोई घर खरीदना चाहते हैं. मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी चल रही है फैमिली में. कुछ ना कुछ इनके लाइफ में स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल गार्डन गेट लाइन पर ही खड़े हैं. कोई बिजनेस हो, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चल रही है. बट हम की से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ब्लॉकेज भी इनकी लाइफ में है. अब हम देखते हैं आपकी रोमांटिक कनेक्शन कैसे होगी. वेरी सून, सो 2 times यू हैव वेरी सून, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आया था आपके लिए. सो वेरी सून दिस पर्सन विल अपीयर, आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे ये. एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. ओके, दिस पर्सन इज सेफ फॉर यू टू लव एंड रिकॉन्सिलेशन. मैं बोल रही थी आपसे यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन बिकॉज ऑफ जजमेंट कार्ड. कोई समॉन जो आपकी पास से रिटर्न करेंगे आपकी लाइफ में, वो पास लाइफ कनेक्शन हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी के साथ ब्रेकअप हो गई है. दिस इज अ पास्ट कनेक्शन जो आपने सदियों से इस पर्सन से मिला होगा कभी, बहुत सालों पहले. अगले अगर आपको पास लाइफ में इंकर्नेशन पे बिलीव है तो दिस इज योर पास लाइफ पार्टनर. अब हम देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या है इस रिलेशनशिप के लिए. डिवाइन फेमिनिन, सो अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे तो डेफिनेटली दिस इज योर एनर्जी. अगर आप मेल है सो दिस इज योर पार्टनर, दे आर डिवाइन फेमिनिन. यहाँ पर जो फीमेल है वो बिल्कुल एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है. दे आर अबंडेंट एंड आई एम सीइंग दिस, उनकी जैसे क्राउन चक्र ओपन हो रही है. एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव, आपकी जो फीमेल है ना दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव अबंडेंट. एंड उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, जो फीमेल है उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है. वो अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कर चुके हैं, बट यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को स्पिरिचुअली अवेकन होना होगा. डिवाइन मैस्कुलिन को स्पिरिचुअली अवेकन होने की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है. दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट डेफिनेटली. सी दिस नंबर 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. आई एम सीइंग दिस 2 times यू हैव नंबर 4. Yeah, 2 times. This person is very, very stable. I'm seeing this. Lead is Emperor card, actually. So here the Divine Feminine and the Emperor. So definitely you are in soulmate or twin flame connection. A person बहुत ही controlling energy है. बहुत एक bossism इनकी life में है. कोई इन पर bossism करे इनको बिल्कुल पसंद नहीं है. A person मतलब ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इस पर्सन इनका एक माय रूल माय वे है. यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन साइड है बहुत ही कंट्रोलिंग है. दे आर वेरी स्टेबल,
एंड दैट्स वाई यहाँ पर टू टाइम्स किंग की एनर्जी आया था. सी दिस, दे आर वेरी वेरी मैस्कुलिन एंड वेरी कंट्रोलिंग, वेरी स्टेबर्न एंड लिटिल बिट एरोगेंट. एंड बहुत जल्दी इस एरोगेंसी एंड ईगोइस्टिक नेचर पर वो विजय हासिल करेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड. इस रिलेशनशिप को समझेंगे, स्पिरिचुअली एवकेन होगा. मैं बोल रही थी आपको कि डिवाइन मैस्कुलिन की अभी अभी तक वो एवकेनिंग नहीं हुआ. एंड दिस इज योर मैसेज. ओके, हंगर, हंगरी, यू आर हंगरी विथ मून नंबर 29, नंबर 11. सो फाइट दिस हंगरी, मतलब आप हंगरी क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो हंगरी है. मान लीजिए आपकी एम्प्टी स्टोमक है, जब आपके सामने खाना रखेगा कोई, तो आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, आप खाना खा लोगे. तो स्पिरिट आपसे ही कह रही, ये जो हंगरी नेचर है ना आपकी, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, या फिर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, तो इस हंगरी नेचर से आपको एक नेगेटिव साइड है, इसको बिल्कुल रिलीज करने की ज़रूरत है. ये आपकी डिवाइन टाइमिंग पर होगी. यहाँ पर जो भी आप है व्यूअर्स, यहाँ पर हंगरी की एनर्जी है, लास्ट हंगरी. सो इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब खाना आएगा ना, तब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे. जब आपके सामने दो पर्सन अप्रोच करेंगे आपको, तब आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है. इस हंगरी नेचर से आपको निकलने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा उतावला, बहुत ज़्यादा वो इम्पल्सिव नेचर, कब होगा, कब रिलेशनशिप होगा, नहीं. यू हैव टू रिलीज दिस नेगेटिविटी. ए डिवाइन टाइमिंग पर ए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, उनके जोडियक साइन देखते हैं. ये बहुत ही पैशनेट पर्सन होंगे, बहुत ही आपके साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ही पैशनेट होगी. दे यू नो दे गेट इजीली बोर्ड. इनको हमेशा कुछ इनोवेटिव वॉइस चाहिए, आपको भी. बहुत जल्दी ये बोर्ड हो जाती है पर्सन. मार्स रिटर्न, सो मार्स रेट्रोगेट हो सकती है इनकी चार्ट में. मार्स रेट्रोगेट हो सकती है, वर्गो हो सकती है, कन्या राशि, पाइसिस हो सकती है, लियो. ओ माय गॉड, टू टाइम्स लियो. दे आर वेरी पैशनेट, वेरी वेरी पैशनेट. इन मतलब इनको बेडरूम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चाहिए. एंड दे रूल यू स्पेशली बेडरूम केमिस्ट्री में. वेनस रेट्रोगेट, ओके. डिवाइन फैमिलीन आया था ना, तो वेनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर फीमेल की बात चार्ट में. दे आर ट्रूली ब्यूटिफुल जो फीमेल है. एक्वेरियस, ओके, एक्वेरियस की हो सकती है. कुंभ राशि, इतना मतलब रेट्रोगेट प्लैनेट की, मर्करी रेट्रोगेट, कम्युनिकेशन किसी का ब्लॉक्ड है. इस पर्सन, ए पर्सन बहुत कम बोलते होंगे, बहुत ही कम, 10 बोलेंगे तो एक का जवाब देंगे, ऐसे पर्सन है. एरीज, ओके, बॉटम ऑफ द डे. कैंसर, ओके, देखते हैं इनकी इनिशियल्स. ओके, जल्दी देख लेते. NRI, ओके, कोई फॉरेन कनेक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस में. NTB यू आर या NRI BT, उनकी सरनेम की फर्स्ट लेटर हो सकती है, वो जिस कंट्री में बिलोंग करते होंगे उनकी सरनेम की फर्स्ट लेटर. H, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकती है किसी जगह पर, डॉक्टर. E2Z सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके बारे में ये पर्सन, क्योंकि एनर्जी डिवाइन क्वीन, डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, W6, ओके, डी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड, या DF डिवाइन फैमिलिन. ओके, डिवाइन फैमिलिन, टू टाइम्स यहाँ पर डिवाइन फैमिलिन. बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सन है जो भी है. दिस इज योर पर्सन इनिशियल, सी दिस. और दो ले लेते हैं. दिस इज एक्स, कोई एक्स हो सकती है आपकी. ZMC, सी दिस. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हाई पाइल टू, वेलकम टू माई चैनल. इफ यू चूज लव कार्ड, तो देखते हैं हु इज डिस्टाइंड फॉर यू. आई हैव यूज 9 ओरेकल डेक्स, सो आई हैव ऑलरेडी शफल ओरेकल डेक्स. मैं टैरोट को शफल करूंगी. चलिए देखते हैं, उनकी साइन भी देखेंगे एंड इनिशियल्स भी देखेंगे. चलिए देखते हैं हु इज दिस पर्सन. वॉरियर, ओके, दे आर वॉरियर.
एंड लवर, ओके, अगर दोनों कार्ड को मैं जोड़ दूं, सो डेफिनेटली दे आर वॉरियर लवर पर्सन. दैट्स मीन प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे. दिस इज समवन जो हमेशा आपके पास खड़े रहेंगे, एक स्टैंड पॉइंट में वो हमेशा खड़े रहेंगे, इफ यू ट्रस्ट देम. एंड मुझे लगता है ये पायल बहुत ही मैच्योर पायल है, बिकॉज वॉरियर की एनर्जी है तो लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है. इट्स ऑल अबाउट किंग टाइप की एनर्जी, वो एम्परर टाइप की एनर्जी है ये. वॉरियर का मतलब वो छोटी छोटी चीज को लेकर इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है. हो सकता है ये स्ट्रगल उनकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है उनकी फैमिली, एक ऐसे फैमिली में एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई है जहाँ पर प्यार को लेकर उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस उन्होंने गैदर किया है, या फिर दिस इज ऑल अबाउट लाइफ स्ट्रगल. तो डेफिनेटली स्ट्रगल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. हो सकते कोई ऑर्फन है, या फिर मान लीजिए उनकी खून की रिश्तेज है, उन्हें ऐसी कोई हार्टेक मिला हो एंड उनकी लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ हुआ है. सो दे आर एक्चुअल लवर. प्यार की अहमियत क्या है, ट्रू लव की अहमियत क्या है, इस पर्सन को पता है. ये हमेशा ओपन टू लव है, प्यार के लिए ये बहुत ही रिसेप्टिव एनर्जी है, बहुत ही रिसेप्टिव. दे आर ट्रू लवर. आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे अगर उन्हें लगा कि या दिस इज माई लव पार्टनर, दिस इज माई ट्रू लव, तो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे. ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी, ये कोई बच्चों वाली एनर्जी नहीं है. टाइम पास, डेटिंग, हनीमून, नो, दे आर वेरी मैच्योर्ड. दिस इज योर डेस्टिनी पार्टनर, दिस पार्टनर इज डेस्टाइंड फॉर यू. वो किंग वाली एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, वो स्टेबल एनर्जी, किंग की बैलेंस्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा, मैच्योर्ड एनर्जी. बात बहुत कम बोलते होंगे, ये रोमांटिक पर्सन है, मुंह से बोलते नहीं होंगे बट वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन. बहुत बहुत ही फायर साइन मुझे दिख रही है, फायर एंड आर्ट साइन. ओके, थैंक यू सो मच. टेन ऑफ शॉर्ट्स, मैं आपसे बोल रही थी ना, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस ही ऐसी है, बहुत सारी चीटिंग बिट्रेल से इनकी लाइफ एक्सपीरियंस हुई है, या फिर इनकी पास्ट लाइफ में, या फिर मतलब ऐसी किसी पर्सन के साथ इनकी कनेक्शन रहा हो जो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, वो सर्व नहीं हुआ, वो कनेक्शन टूट गई है. डेफिनेटली मैं आपसे देख कर ही बोल रही थी कि दे आर वॉरियर. थोड़ी झुक जाएंगे बट टूटेंगे नहीं, ये सब जो भी है बहुत स्टेबल एनर्जी है. दे आर एक्चुअली वुंडेड हीलर, खुद भी हील होंगे एंड आपको भी हील करेंगे. क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सनैलिटी एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. उनकी फेमिनिन साइड में बोल रही थी ना, लवर, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगे, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होंगे. फायर साइन, मैं आपसे बोल रही थी फायर साइन इम्पोर्टेंट है. एंड सिक्स ऑफ कप्स, ओह, तो हो सकता है उनकी फैमिली के थ्रू से उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब हार्टेक मिला हो, या फिर रिलेशनशिप के थ्रू कोई हार्टेक मिला है. बट डेफिनेटली दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर. सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट योर सोलमेट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट. आपके साथ इनके एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ एक डेस्टिनी है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है. क्योंकि एक चाइल्ड हुड ट्रॉमा हो सकती है, मुझे लग रहा है कोई चाइल्ड हुड ट्रॉमा, चाइल्ड हुड अब्यूजमेंट कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ चाइल्ड हुड पीरियड में इनका इम्पोर्टेंट रहा होगा, इस पर्सन की चाइल्ड हुड पीरियड. आपने इस पर्सन के साथ चाइल्ड हुड पीरियड में मिल सकती हो, या फिर जब टीनेजर थे, आपकी नेबरर है, सेम सिटी से बिलोंग करते होंगे, आपके कलीग्स है, फ्रेंड जोन से बिलोंग करते होंगे, बट दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है, एरीज, लियो, सैज हो सकती है, वाटर साइन की हो सकती है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की कोई लवर है तो वाटर साइन बहुत ज्यादा आ रही है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई स्टूडेंट हो सकती है, बहुत ही मैच्योर पाइल है, मैं आपसे बोल रही थी ना बहुत ही मैच्योर. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जितने भी पेजेस है उनमें सबसे मैच्योर है, वो उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी उनमें है, बहुत ही यंग स्पिरिट है बट मैच्योर मैच्योर है ये पर्सन जो भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, बहुत सारी सीक्रेट आईज उनके ऊपर होंगे. मतलब आप इनके मतलब इनकी बिहेवियर ऐसी
बिल्कुल ऐसी होंगी जो एक गर्जियन की जैसे संभालना, प्रोटेक्ट करना, आपका ख्याल रखना, एक ऐसी एनर्जी है ये। थ्री ऑफ कप्स में बोल लीजिए, कोई फ्रेंड जोन से हो सकती है पर्सन, बिकॉज पेज ऑफ पेंटेकल्स या कोई फ्रेंड जोन से हो सकती है पर्सन, बट बहुत ही यंग स्पिरिट है, स्टूडेंट हो सकती है, हायर स्टडीज में इन्वॉल्व है, या फिर कोई बिजनेस मैन वूमेन हो सकती है पर्सन, बिजनेस करते हैं एंड स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकती है। थैंक यू। वाह, वे सब कप्स, आप जब भी इस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे ना, आपको फील होगा कि ऐसा लव, ऐसा नर्चरिंग, ऐसा केयरिंग आपने कभी फील ही नहीं किया। दिस पर्सन इज सो लविंग एंड केयरिंग, सो नर्चरिंग एनर्जी। सी दिस, मैं ऐसे बोल रही थी ना, लवर की एनर्जी बहुत सारी वाटर साइन मुझे फील हो रही थी। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उनकी बातचीत में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गो की एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी, बहुत ही ग्राउंडेड। आपको समझेंगे, आपको सोल लेवल पे समझेंगे सर, क्योंकि इनकी लाइफ एक्सपीरियंस ही ऐसे रहा है कि आपको सोल लेवल पे समझेंगे। आपकी भी अगर कोई हार्ट एक है तो इस पर्सन के थ्रू वो हील्ड होंगी, बिकॉज एस ऑफ कप्स वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। इस पर्सन के थ्रू वो हील्ड होंगी आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। वाओ, सिक्स ऑफ वांड्स, बहुत ही पॉपुलर पॉपुलर है ये पर्सन, जिस भी फील्ड में है, एक एक विजय उनकी किस्मत में है, उनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनकी शुरुआती कार्ड ही आया था 10th से, वो शून्य से शुरू हो रही है उनकी लाइफ। एक साइकिल में फंसे थे, वो साइकिल कंप्लीट होकर एक सिंहासन उनको मिलने जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट क्वीन ऑफ वांड्स, एक सिंहासन मिलना, ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई बिजनेस में तरक्की होना, इंप्रूवमेंट होना, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में वो इंप्रूव हो रही है। एंड दिस इज, जब एक सिंहासन उनको मिल जाएगी ना, तब जाकर एक कनेक्शन वर्क करेंगे, तब जाकर ये आप दोनों की यूनियन होगी। पर मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस एज में नहीं होगा, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, बट क्वीन ऑफ वांड्स से तो सम ऑफ देम सीनियर हो सकती है आपसे, बट मुझे बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं लग रहा है पाइल टू के लिए। दे आर वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर जिस भी फील्ड में है, बिजनेस मैन वूमेन हो सकती है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटेकल से टीचर हो सकती है, टीचिंग फील्ड में हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सी दिस, दिस इज 10 ऑफ पेंटेकल्स, ऑल अबाउट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। फैमिली के लिए सोचना, फैमिली क्रिएट करना, फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। बहुत ही फैमिली से जुड़े रहने वाले इंसान है ये। पेज ऑफ शॉर्ट्स, या ये शख्स कोई बैंकिंग फाइनेंस में हो सकती है, एंड दे आर स्टॉकिंग यू, मुझे लग रहा है इफ यू नो दिस पर्सन, दे स्टॉक करते होंगे आपको। दे आर ट्रूली लवर, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, आई एम सीइंग दिस, द स्पिरिट आर्कएंजल राफेल। तो आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है, एंड एक कनेक्शन तो होगा ही, बिकॉज दिस इज योर टू टाइम्स कंफर्मेशन, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज योर सोल मेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक कनेक्शन तो होगा ही, डेफिनेटली एक कनेक्शन आएगा। यहाँ पर टू पेजेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों सेम एज की हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स, और बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। मैं आपसे पहले ही बोल रही थी, दिस इज योर सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ए पर्सन को हीलिंग, मतलब हील होने की ज़रूरत है। ए पर्सन की एडिक्शन है, ए मान लीजिए आपने इनको मैसेज किया तो ये रिप्लाई नहीं देंगे, रिपीटेटिव मैनर में उनको चेक करेंगे, रिपीटेटिव मैनर में उनको चेक करना उनका एक एडिक्शन है। थोड़ी थोड़ी इनकी ईगो इशू, एरोगेंट इशू से इनको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, मुझे और कार्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 10th से शुरू हुआ था, 10th में ख़त्म हुई है। एंड दिस इज योर वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, दिस इज योर मिसिंग पार्ट, जिस पीस को आप ढूंढ रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो आपको मिसिंग पार्ट है, दिस इज योर मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आएंगे तब आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। टॉरस की हो सकती है, लियो की हो सकती है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस के हो सकते हैं पर्सन। इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, इनका वर्ल्ड का कोना कोना इनका देखना है। ये एनर्जी बहुत एडवेंचरस एनर्जी, कैप्रिकॉन की हो सकती है। ये पर्सन कोई लॉन्ग डिस्टेंस में फॉरेन कनेक्शन में है, या फिर एनआरआई है। इनकी डेस्टिनी रियली बहुत ही बड़ी डेस्टिनी है इनकी। प्रीवियस
विलेज लेडीज सीरीज नंबर 12। ओके, बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न फैशन फैशन से जुड़ी रहने वाली कोई सर, एंड बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनना, एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ करना, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करना, बहुत बड़ी ड्रीम है इनकी। बड़ी घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ऐसी एक पर्सन है ये। छोटी मोटी चीज़ों से ये सेटिस्फाई नहीं होते, ये शख्स जो भी है। कम्युनिटी मैं आपसे बोल लेती हूँ ना, नंबर 3 और 9। एंड इंटरेस्टिंग, नंबर 12 एंड नंबर 12 2 times 12 की एनर्जी है, बिकॉज 3 और 9 12। सो आपको 12 12 बहुत दिखती होंगी डिजिटल क्लॉक में, या फिर 12 21। दिस इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 3 और 9 9 एंड 3, सो इस टाइप की एनर्जी, बिकॉज 3 और 9 वो ट्रिपल होना, तो बहुत जल्दी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने जा रही है, बहुत जल्दी। एंड कम्युनिटी से आपकी सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते होगे ए पर्सन, आपकी कम्युनिटी सोसाइटी के थ्रू ये मिल सकती है, किसी पार्टी फंक्शन में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। एंड मुझे लगता है इफ यू यू नो दिस पर्सन, मुझे यहाँ पर एक बच्चे थे, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं आपसे बोल रही थी, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड टीनेजर में मिले होंगे, या फिर कोई फैमिली के थ्रू से, फैमिली के फ्रेंड्स से, ऐसी कोई फैमिली कनेक्शन से मिल सकती है इस पर्सन से। आपकी भाई की दोस्त है, बहन की दोस्त है, ऐसी कोई कनेक्शन हो सकती है, रिलेटिव की कोई ग्रुप से। बट ऐसी जगह पर आप मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारी लोगों की गैदरिंग्स होंगी, ऐसी कोई जगह पर आप मिल, पार्टी फंक्शन, किसी इन्विटेशन में आप गए वो भी आए, ऐसी किसी सिचुएशन हो, ट्रेन में, बस में, जहाँ पर गैदरिंग्स है बहुत सारे लोगों की। मेन मेल सी दिस, दिस इज योर मेन मेल एंड द प्रिविलेज लेडी, सो नंबर 12 और 1। सो डेफिनेटली ये जो ड्रेस पहन के है ना, तो बहुत ही वो प्रिविलेज टाइप की पर्सन है ये। इनकी बैंक फाइनेंस से जुड़ी कोई काम हो सकती है, ऐसे कोई बिजनेस में जो बहुत ही पॉपुलर है, मैं ऐसे बोल लेती ना, 6 ऑफ वांड्स इज पॉपुलरिटी, डिपार्टमेंट चेंज होना, प्रमोशन होकर एक न्यू, एक तरक्की होना, इम्प्रूवमेंट होना, कंप्लीशन हो रही है उनकी लाइफ, बहुत ही तरक्की है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, एंड दिस इज योर मेल मेल। अगर आपको शक है कि आपके पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आप जिसके बारे में इस रीडिंग को आप देख रहे हैं ना, सो दिस इज योर पर्सन, ये आपकी डेस्टिनी है, दिस पर्सन इज डेस्टाइन फॉर यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे, एक 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 अलग ही ओपन डोर करेंगे, खोल देंगे आपके लिए, एक न्यू डायरेक्शन आपके लिए ओपन होंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि इनकी डेस्टिनी बड़ी है, तो जब आप जोड़ेंगे आपकी डेस्टिनी भी खोलेंगे। ये आपकी एडवाइस कार्ड है, ये आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड है, हम लास्ट में देखेंगे उनकी एनर्जी कैसी। ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शन सी दिस नंबर 14। बहुत ही, मैं आपसे बोल रही थी, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, गिफ्ट्स देना, बीचों बीच टाइम में गिफ्ट्स देना, घूमना, लॉन्ग ड्राइव, इन इन सारी चीज़ों में इन पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, बट ये इतना कुछ सोचेंगे, उस प्लानिंग करना, सोचना, केयरिंग कनेक्शन, आप बोले बिना ये समझ जाएंगे सब, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है। मैजिशियन एंड द मिरर, टीचर हो सकते हैं पर्सन, हायर स्टडीज में, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग फील्ड में। सो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट, हाई लेवल की सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है डेफिनेटली। 5 और 3 नंबर 8, सो डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं इनकी बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 12 और 3, सो मर्करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एंड ये एनर्जी की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत कम बोलने वाली एनर्जी है, जब बोलते हैं टू द पॉइंट बोलती है, और आप दोनों एक दूसरे के मिरर करते होंगे, जो फीलिंग्स उनकी है आपकी भी, वही मूड चेंज होती है, उनका चेंज हो रहा है, आपका भी मूड चेंज हो रहा है, भले ही आप डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो फॉरेन में है, आप यहाँ हैं, बट मूड का चेंज होना, और ये जो कनेक्शन है वो यूनिवर्सल कनेक्शन है आप दोनों का। तो क्या होता है इसमें कि उनका जो मूड सेटिंग होता है ना, वो यूनिवर्सल कनेक्शन के थ्रू आपका भी वही मूड सेटिंग होता है। जब इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो 5D रियल में दो एनर्जी में कॉन्टैक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कोई एक पर्सन किसी दूसरे एनर्जी को खींच रहा है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को मैनिफेस्ट करें, हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन में हैं, या फिर वो मैनिफेस्ट करता होगा, कोई ना कोई यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है एक दूसरे में, वो यूनिवर्सल लेवल में बात हो रही है, टेलीपैथिकली कनेक्शन हो रही है। बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आप नेगेटिव मूड में जाएंगे, ये स्विच करेंगे, खुद को भी नेगेटिव मूड में डालेंगे, तो कनेक्शन दूर चले जाएगी, बट जितने भी दूर चले जाए, कनेक्शन डेस्टाइंड है आपके लिए, ये कनेक्शन डेस्टाइंड है आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर
दो डिफरेंट साइन के लोग हो सकते हैं, इनकी मेंटेलिटी कभी कभी आपसे थोड़ी डिफर हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। ओपन माइंड का मतलब आपको थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत है, इस पर्सन को हीलिंग होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके साथ इनकी कनेक्शन क्या है, एंगेजमेंट। तो हो सकता है बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर बात चलेगा, या फिर इस पर्सन के घर में शादी को लेकर बात चल रहा है। फ्लर्ट करने की एनर्जी है, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी, मैं बोल रही थी ना, जब ये मनाने रूठना मनाना का एनर्जी है, रूठेंगे मनाना ऐसी एनर्जी है। फ्लर्ट करना, शेर व शायरी बोलना, जोक्स बोलना, आपको हंसाना, दिस टाइप ऑफ एनर्जी है। आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड देखते हैं, डेटिंग करना। हो सकता है आपने डेट किया है इस पर्सन के साथ, या फिर जब भी कनेक्शन होगी आपको समझने के लिए कि आप कौन है, आपकी आपकी माइंड में क्या चल रही है, ये डेट करेंगे, बात करेंगे खुलकर आपसे, आपको जानेंगे, खुद भी अपने बारे में कहेंगे, फिर जगह कनेक्शन होगी। ये पायल बहुत मेच्योर्ड है, कोई बच्चों वाली पायल बिल्कुल नहीं है, डेटिंग है। खुलकर अपने आप को लेकर कन्वर्सेशन करना, खुद के बारे में कहना, आपके बारे में भी जानना। बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पर भी, बुके की एनर्जी है, बहुत सारे गिफ्ट ये आपको बीच बीच में देते रहेंगे, गिफ्ट की एनर्जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये जो भी शख्स है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, सी दिस कार्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो डेफिनेटली इस पर्सन को हमेशा क्लैरिटी की जरूरत है, कुछ भी इनकी लाइफ में हिडन नहीं है, आपकी लाइफ में भी कुछ हिडन होगा तो पूरे जानकर सब कुछ जानेंगे, फिर जाकर ये कनेक्शन होगा। कुछ भी इनके लाइफ में हिडन ना, तो ये खुद खुद की लाइफ में रखेंगे ना, ये आपसे उम्मीद करेंगे, तो हिडन नहीं रखना है। येस और नो पे इस पर्सन को बिलीव है, येस और नो, बीचों बीच कुछ नहीं। आपके लिए एडवाइस है, चेंज, थंडर मून रूफ अचानक से लाइफ में आएंगे आपके लिए। 35 की एनर्जी है, एक सेकेंड, सी दिस, 3 और 5 और 5 और 3 बिल्कुल रिफ्लेक्टेड हुआ है नंबर, सो डेफिनेटली दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड तब आएंगे जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसे टाइम पर इस शख्स आपकी लाइफ में आएंगे। चेंज, थंडर मून, अचानक से, वो अनएक्सपेक्टेड, वो एक जैसे वो मान लीजिए टावर मूवमेंट, जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये नंबर आपको बहुत सारा दिख सकती है, अगेन मैं बोल रही हूँ, वो नंबर जब रिफ्लेक्ट होते हैं, मान लीजिए 12, 21, 35, 53, इस रिफ्लेक्टेड नंबर आपको डिजिटल क्लॉक में बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब ये पर्सन आएंगे, साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ओके, हम अब देखते हैं उनके जो डेट साइन। ओके ओके, जुपिटर रेट्रोग्रेड, ओके जुपिटर रेट्रोग्रेड हो सकती है उनकी बात चार्ट में, एक्वेरियस की हो सकती है पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि की हो सकती है, वेनस रेट्रोग्रेड, क्या बात है, इतना रेट्रोग्रेड प्लैनेट पाइल वन पे भी आया था। जेमिनी हो सकती है, लवर, ओके दे आर ट्रू लवर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एरीज, ओके मेन मेल आया था, एरीज एम्प्रॉयर की एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल, एंटरप्रेन्योर, बैंकिंग फाइनेंस में, ऐसे किसी फील्ड में जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर, अपोजिट सेक्स के लोग भी बहुत अट्रैक्टिव होते होंगे, वर्गो, उनकी सन मून राइजिंग वीनस हो सकती है, मार्स रेट्रोग्रेड, इतना रेट्रोग्रेड प्लैनेट है इनकी बात चार्ट में, माय गॉड, कुछ ना कुछ से एक ना एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट तो डेफिनेटली होंगे इनकी, नॉर्थ नोड साउथ नोड को छोड़कर भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट होंगे इनकी बात चार्ट में। ओह तो हद ही होगी, मार्कर रेट्रोग्रेड, ओह स्पाइसीज, ओके चलिए अब हम देखते हैं उनकी इनिशियल, ओके एम सी ए कंप्यूटर MCA, ओके यू इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है इनकी, क्यू, ओके क्यू यू क्वीन की जैसे रखेंगे फीमेल को जो भी है, ओके वाई ओ यो, बात बात में कहते होंगे यो या फिर या ऐसे कुछ कहते होंगे, वाई एल, ओके एल, ओके इनकी आई बहुत खूबसूरत हो सकती है, आई, ओके डब्ल्यू जी, कुछ वर्ड्स बन रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे जरूर, हाथ में दे देती हूँ, डी, ओके डी, एफ,
डिवाइन फैमिनिन, यहाँ पर क्वीन है, डिवाइन फैमिनिन बहुत इम्पोर्टेंट है. एच, ओके, पाइल वन एंड टू में आप कंफ्यूज थे मुझे लग रहा है. एफ, ओके, एक्स हो सकती है आपकी, यहाँ पर जेड है, उनकी नाम की, उनके सरनेम की इनिशियल्स, जिस कंट्री में बिलोंग करते होंगे. ए एंड सी, ए सी, इनको मैं बोल रही थी ना प्रिविलेज रहे, ए सी इनको पसंद है, ए सी में रहना इनको चाहिए, मतलब ए सी इनके लिए कंपलसरी है समर में, ए सी इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज है, अल्ट्रा मॉडर्न फैशन कंफर्ट लग्जरी से बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ी हुई है पर्सन जो भी है. देख लीजिए, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी. एंड आई एम सीइंग दिस फॉग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन है, फॉग, फॉग की एनर्जी है. कोई वर्ड्स बन रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे तो दूसरों को भी हेल्प होगी. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हाई पाइल थ्री, वेलकम टू माई चैनल. सो इफ यू चूज दिस हैप्पीनेस, देखते हैं हु इज द स्टैंड फॉर यू, आपके पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर्सनैलिटी, उनकी जॉब कैरियर, उनके साइन देखेंगे एंड इनिशियल्स भी देखेंगे. चलिए देखते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होंगे, ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी कैसे होंगी. स्टोरी टेलर, ओके, ब्यूटीफुल, नेटवर्कर. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे एक पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत स्टेबल एनर्जी है ये, बहुत सारे. एक से पाइल टू के बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी मुझे फील हुआ. एंड आपकी पर्सन की भी एनर्जी बहुत ही मेच्योर है, स्टेबल एनर्जी है, बट बहुत ही बिजी है, जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ऐसे किसी फील्ड में ये जॉब करते होंगे जो बहुत ही बिजी लाइफ, मोमेंट टू मोमेंट बिजी रहते होंगे. एंड ये एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी है. एंड मुझे लग रहा है वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकती है, एम टेक, बी टेक, वो कंप्यूटर से जुड़ी एम सी ए, बी सी ए जो होती है ना, कंप्यूटर इंजीनियर, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है, या फिर राइटर, पोएट, क्रिएटिव फील्ड से, आर्ट फील्ड में, डांस, क्राफ्ट, इन फील्ड में बहुत ही क्रिएटिव, लिखना, स्टोरी लिखना, एडिटर हो सकते हैं पर्सन. बहुत लाइफ एक्स, लाइफ को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, मैच्योर मैच्योर स्टेबल पर्सन है ये जो भी है. ओवरऑल वो बच्चों वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है, एनर्जी बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड. वो फर्गो साइन, टॉरस की साइन जो होती है ना, बहुत मैच्योर साइन है ये, मैच्योर पर्सनैलिटी, काम पे फोकस्ड है. एंड ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही खुश मिजाज एनर्जी है, रूठना मनाना ऐसी एनर्जी है ये. लिखना इनको पसंद हो सकती है, शेर व शायरी लिखना, जोक्स लिखना, ऐसी एनर्जी है ये. जब एक कनेक्शन होगी तब ये आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या देखा है, आप भी शेयर करेंगे, वो भी शेयर करेंगे. यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत होगी, आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत होगी लाइफ को लेकर, बहुत सारे कम्युनिकेशन. लाइफ इन एक फाइटर है, एक ट्रूली फाइटर वॉरियर है ये. या ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टू टाइम्स दे आर ट्रूली वॉरियर. लाइफ को मैं आपसे बोल रही थी ना, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है इनकी, बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा आप दोनों की, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा. योर पर्सन, ओके, दे आर सो पैशनेट एंड एज वेल एज वेरी वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव पर्सन दे, एक्चुअली दे आर ऑलवेज रेडी टू कमिट. एंड मुझे लगता है इनकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एक ट्रैवल है, यहाँ पर भी ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे ये, बहुत ट्रैवल जुड़ी है इनके साथ. एम्प्रेस, वाओ, डिवाइन फेमिनिन इज हियर, ओके. सो डेफिनेटली ये शख्स जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, मैं आपसे बोल रही थी ना टॉरस की एनर्जी मुझे लग रही है, टॉरस. यहाँ पर इनकी बात चार्ट में वेनस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनस प्लैनेट इनकी बात चार्ट में, या तो फिर वो उच्च की है, मून साइन में है, वो गजकेश्वरी योग में है, कुछ ना कुछ वेनस इनकी इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सनैलिटी है ये जो भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, अबंडेंट है, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट होंगे ये जो भी है. ओके, ओ माई गुडनेस, दिस इज एम्प्रोयर, ओ माई गॉडनेस, सी दिस कार्ड, एम्प्रेस एंड एम्प्रोयर,
कार्ड जंप किया, आपने देखा कार्ड जंप करके निकला. सो दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज योर सोलमेट. डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज डेस्टाइंड फॉर यू. पाइल थ्री, हु आर यू पाइल थ्री? मैं क्या बोलूँ आपसे, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये कनेक्शन बहुत स्टेबल है, वो बच्चों वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है. एक तो या तो फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, वो मैरिज तय हो रही है, नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कनेक्शन होगी. दे आर ऑन द वे, दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, दे विल बी रेडी. जब भी ये कनेक्शन होगा बहुत जल्दबाजी, बहुत चटमग नहीं पट भी है, ऐसे कनेक्शन होगा ये. पाइल थ्री, हु आर यू? मुझे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, हु आर यू? अगर आप सिंगल भी है ना तो डोंट बी अपसेट प्लीज. दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जंप करके आया अनएक्सपेक्टेडली, ये आपकी लाइफ में अपेयर करेंगे. जिस तरह से एम्परर जंप हुआ कार से, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब ये आकर प्रेजेंट होंगे आपकी लाइफ में. जब आएंगे पूरी तरह से रेडी होकर आएंगे आपके लिए, पूरी तरह से रेडी होकर आएंगे. दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज योर ट्विन फ्लेम, दिस इज योर हायर लेवल सोलमेट. थ्री ऑफ शॉर्ट्स, हीलिंग होगी यहाँ पर, आप हील्ड होंगी इस पर्सन के थ्रू. डेफिनेटली आप हील्ड होंगी इस पर्सन के थ्रू, ये पर्सन आपकी सभी हार्ट ब्रेक को हील करेंगे. एक उंडेड हीलर है, मैं आपसे बोल रही थी ना, एक इनकी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है. ये जो भी शख्स है एरिस की हो सकती है पर्सन, एरिस लियो सैज बहुत इंपॉर्टेंट, फायर साइन आ रही है, यस साइन आ रही है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा की हो सकती है. इन्होंने मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ में या फिर यू नो इस लाइफ में ही रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा धोखा खाया ये पर्सन. वो फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, फादर मदर, बाय द वे किसी की फैमिली टॉक्सिक नहीं होता है बट इनकी हो सकती है फैमिली टॉक्सिक, या फिर इनकी ऐसी कोई पास्ट में कनेक्शन में थे, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी जिनके साथ इनकी कनेक्शन सर्व नहीं हुआ, टूट गई, उससे भी इनकी हीलिंग हो रही है. आपको एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे ट्रीट करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है. या मैं आपसे यही बोल रही थी, दिस इज टोटल इक्वल गिवन एंड टेकन. बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ आप शेयर करने करेंगे, आपकी भी हार्ट एक है, उनकी भी हार्ट एक है, आप दोनों ही इस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे. बहुत सारे कम्युनिकेशन हो गया आप दोनों में, बहुत सारे, और वो कम्युनिकेशन बहुत ही हिडन कम्युनिकेशन, वो पति पत्नी के बीच जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन हो गया आपने, जो दूसरे कोई इन्वॉल्व नहीं हो गए. यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है इस कनेक्शन में, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है. ये एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी, बहुत ही, एंड दिस इज मतलब 100% श्योर आप कोई हाई लेवल सोलमेट में है. या इस पर्सन को एक विजन की जरूरत है, एक न्यू पर्सपेक्टिव की जरूरत है. जब ये कनेक्शन होगी ना तब इनको थोड़ी डाउट होगी कि यू आर माई ट्रू लवर और नॉट. तो इन ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे, एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव. आप दोनों में ना वो यूनिवर्सल एनर्जी में बात होगी, टेलीपैथिक कनेक्शन होगी आप दोनों में. टेम्परल सीरियस कार्ड, ओ माय गॉड, सजिटेरियस हो सकती है, पाइसिस हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकती है. सो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी होंगे इनकी इनकी एक अलग लेवल की एक बैलेंस है, इनकी माइंड बहुत ज्यादा बैलेंस होगी, बहुत ही कूल काम एनर्जी है, बहुत ही हीलर टाइप की एनर्जी है ये एनर्जी. और मुझे लगता है यहाँ पर हायर स्टडीज इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस मैन वुमेन हो सकती है पर्सन. एंड द वर्ल्ड एनर्जी, कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स, स्टेबल एनर्जी, इम्पोर्टर एंड द किंग ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड एंड स्टेबल पर्सन है, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है. मैं आपसे बोल रही थी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस पर्सन. ये आपकी वो मिसिंग पार्ट है जो आप बरसों से ढूंढ रहे हैं, दिस इज योर मिसिंग पार्ट, जो जिसे आते ही आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, आप दोनों की लाइफ कंप्लीट होगी क्योंकि आप दोनों यूनिवर्सल लेवल में अभी बिछड़े हुए हैं. तो जब आप दोनों साथ आएंगे ये लाइफ कंप्लीट होगी. दिस इज द वर्ल्ड, द कैप्रिकन, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो हो सकते हैं पर्सन. दिस इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, एक कंप्लीट होना, साइकिल का कंप्लीट होना, एक न्यू साइकिल में एक साथ अगेन एक न्यू साइकिल में एंट्री लेना. ये पर्सन बहुत ही बैलेंस है. एंड सी दिस 1 2 3 4 5 मेजर अर्काना, ह्यूज एनर्जी. इनकी पर्सनैलिटी अलग लेवल का है बट ये पर्सन बोलते बहुत कम है, थोड़ी फिकल माइंडेड है, ये थोड़ी फिकल माइंडेड है.
दैट बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ये चटमग्नी पट बिहा है, ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, जिस तरह से कार्ड जंप हुआ, अचानक से एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओ माई गुडनेस, द स्टार एनर्जी, दे आर वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया में, ऐसे किसी इनका एक वंश होगा, एक वंश, खानदानी वंश होगा इनका, खानदान से, एक उच्च खानदान से बिलोंग करते होंगे, एक परिवार होगा जिसका नाम होगा, फैमिली सोसाइटी में एक नाम होगा, बहुत ही लोगों की नजरें होगी इनके ऊपर। दे आर ट्रूली हीलर पर्सन, मेडिकल फील्ड से हो सकते पर्सन, बिजनेस मैन, वूमेन, ब्यूटी फील्ड में, मत आई मीन यहाँ पर इंटरेस्ट है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, या फिर सोशल मीडिया में वो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते होंगे, ऐसी कोई फील्ड में। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैंक फाइनेंस में हो सकती है पर्सन। नाइट ऑफ शॉर्ट्स ऑनलाइन बिजनेस या फिर डिफेंस लाइन में हो सकती है। एमटेक बीटेक करते होंगे, ऐसी मतलब ये जो भी शख्स है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर, इनकी एनर्जी बहुत ही स्टार लेवल की, वे स्टार सिट चाइल्ड हो सकती है पर्सन जो भी है। आप दोनों की एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही यूनिक पायल है, पायल थ्री, इतना ऐसी रीडिंग मैंने किया ही नहीं, मतलब तो बरसों नहीं किया, डेफिनेटली पायल बहुत यूनिक है, पायल थ्री, मैं आपके सामने ही कार्ड सफल कर रही थी। दे आर ट्रूली हीलर, दे आर अल्टीमेट हीलर, आप दोनों की कनेक्शन में आप दोनों हील्ड होंगे, आप दोनों की लाइफ एक्सपीरियंस इतनी रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बहुत ही मैच्योर पायल है, बहुत ही मैच्योर। गिफ्ट्स, दिस इज अ यूनिवर्सल गिफ्ट फॉर यू, ए पर्सन आपके लिए गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, ए कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, दिस इज डेस्टाइन फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैं से बोल रही थी ना, ये पर्सन भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, और इनकी लाइफ में अबंडेंस, अचानक से इनकी तरक्की होती है, कभी कभी इनकी लाइफ में इंटरवल होती है, वो रुक रुक के इनकी तरक्की होती है, कभी कभी एकदम पॉज मोमेंट में चले जाते, फिर उठ जाते, फिर पॉज मोमेंट, फिर उठ जाते, तो अचानक अचानक से इनकी तरक्की होती है। नंबर 27 इनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड इंटरेस्टिंग टू टाइम 17 की एनर्जी, मेजर आर्कना द स्टार एंड द 17, सो डेफिनेटली नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, 17 इज ऑल अबाउट नंबर 8, सो 8 इज ऑल अबाउट अबंडेंस, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन। सो ये आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड है, हम लास्ट में देखेंगे, नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, सी दिस कार्ड, ओके, इन एंड यंग, ब्यूटिफुल। देखिए मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही थी, एम्परर एम्प्रेस है, नंबर 22 मास्टर नंबर, आपको बहुत दिखते होंगे, नंबर 22 दिखते होंगे। इन एंड यंग, दिस इज ऑल अबाउट योर डिवाइन फैमिली, दिस इज ऑल अबाउट हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, ओ माई गॉड, दिस इज ऑल अबाउट एम्परर एनर्जी, आई एम सीइंग दिस, प्लेटफॉर्म बन रही है लाइफ, वो एक बेस बनना, ये एनर्जी बहुत ही मैस्कुलिन है, बहुत ही इनोवेटिव एंड बहुत ही पैशनेट, बिकॉज नाइट नाइट ऑफ वंड्स आया था आपका यहाँ पर, मतलब आफ्टर मैरिज फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी आफ्टर मैरिज, बिकॉज दे आर सो पैशनेट, आपकी बेडरूम केमिस्ट्री बहुत पैशनेट, इनोवेटिव होगी। इस शख्स बहुत ही पैशनेट है, मैच्योर है, और इनको पता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, दे नो एवरीथिंग, दे आर सो मैच्योर। रिमेन पॉजिटिव, ट्रस्ट करने की जरूरत है, स्पिरिट आपसे कह रही है रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि ये एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, आपको भी उतना ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिफ्लेक्टेड होगी, आप नेगेटिव मूड में जाएंगे तो ये भी नेगेटिव मूड में जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। मैं आपसे बोल रही थी ना, इस शख्स की कोई पास्ट है जो हील करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है, वो आपकी भी पास्ट हो सकती है, आपको पास्ट में कोई हार्ट अटैक है, दिस इज अ न्यू पर्सन फॉर यू, सो डेफिनेटली यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग की जरूरत है। Make the effort. See this card. So beautiful. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So definitely यहाँ पर एक कोई childhood friend हो सकती है आपकी. See this card. They love to kiss you, hug you, touch you. I just love this card from this deck. I love this card. बहुत ही cute energy है. बहुत ही cute. यहाँ पर एफर्ट्स डालने की डालेंगे. कोई एक person divine feminine हो, divine masculine हो, बहुत ज़्यादा इस relationship में efforts डालेंगे. एक्शन लेने की जरूरत है, इफ़ यू नो दिस पर्सन, इफ़ यू नो, सो कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा वो इनिशिएशन लेंगे रिलेशनशिप को डीप बनाने के लिए।
प्लेफुलनेस एंड अगेन से दिस हग हग की एनर्जी है, हग करना एक दूसरे को. टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही, मैं आपसे बोल रही थी ना, स्टोरी टेलर एंड प्लेफुलनेस, लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. मतलब आपकी मूड को ठीक करने के लिए बहुत सारा जोक्स भी बोलेंगे. मतलब बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, बहुत ही आपकी केमिस्ट्री भी बहुत ही पैशनेट रहेंगे. यहाँ पर एक एज डिफरेंट हो सकती है आप दोनों की, एज डिफरेंस हो सकती है आप दोनों में. आपकी लिए एडवर्स कार्ड क्या है देखते हैं, फ्रूटेशन. ओ माय गॉड, 3 एंड 7 सी दिस नंबर 1. सो फ्रूटेशन, फ्रूटफुल एनर्जी, सी दिस कार्ड, ऑल ऑफ अबंडेंस, ऑल ऑफ फ्रूट्स. स्पीड जैसे आपसे कह रहे हैं, आप बस रेडी हो जाइए. दिस इज ए फ्रूटफुल, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू. यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है. बस आपने वो बीज बोया था ना, वो बस फल देने वाला है. दिस इज अ हार्वेस्ट मून, वो फल देने ही वाला है. सो गेट रेडी फॉर इट. सो आपकी लव लाइफ की मास्टर कार्ड देखते हैं, नंबर ओके मैनिफेस्टेशन नंबर 8. सी दिस कार्ड, मैं आपसे यही बोल रही थी, नंबर 17 एंड नंबर गिफ्ट, नंबर 8 की एनर्जी, बहुत सारे 8 की एनर्जी आ रही. मैनिफेस्टेशन करना, ये मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर एक यूनिवर्सल एनर्जी है. यहाँ पर वो यूनिवर्सल लेवल में आप दोनों की बात होती है. यूनिवर्सल लेवल में आप दोनों कनेक्टेड है. आप फिजिकल वर्ल्ड में बिछड़े हैं, बट यूनिवर्सल लेवल में आप कनेक्टेड है. एक दूसरे के साथ आपकी बात होती है, टेलीपैथी के लिए आप कनेक्शन है. आप मैनिफेस्ट करते होंगे, या फिर आप मैनिफेस्ट कीजिए, पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे. एंड ऑल अबाउट दिस इज बर्ड्स की एनर्जी, लविंग बर्ड्स. सो डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी. नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए. एम्ब्रेस, दिस इज वर्ल्ड एनर्जी. टू टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट डे यू हैव वर्ल्ड एनर्जी. दिस इज योर मिसिंग पार्ट. सी दिस कार्ड, दिस इज अगेन वो वर्ल्ड की एनर्जी, वो यूनिवर्स की एनर्जी. ओ माई गॉड, पाइल 3, कौन है आप? ये पर्सन जो भी है, बट आप कौन है? क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है. मैं आपके सामने ही कार्ड सफल करी थी, इतनी सारे डबल कार्ड आ रही है. हु आर यू? नंबर 21, दिस इज योर मिसिंग पार्ट. बस हाथ फैला कर गॉड से प्रे कीजिए, एक कनेक्शन होंगे. एक्सेप्ट कीजिए, और जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे ना, तब आपको एक कनेक्शन के बारे में समझ आएगी, कौन मेरी ट्विन फ्लेम है, कौन मेरे सोलमेट है. दिस इज योर हायर लेवल सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम. ओ माय गॉड, हेवी एनर्जी, बहुत ही यूनिक पाइल है, पाइल 3. यू आर सो यूनिक. ये जो भी शख्स है बहुत ही पॉपुलर होंगे, बहुत ही पॉपुलर, खानदानी वंश से बिलोंग करते होंगे. आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो सकती है, एज का, कल्चर का कुछ डिफरेंस हो सकती है आप दोनों में. कैप्रिकॉन, इतनी वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है ना. कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैप्रिकॉन, इनके सन मून राइजिंग साइन हो सकते. ओके, किस तरह से? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ओके, वर्गो ओके, वर्गो पाइसेस ओके, लियो या लियो फायर एनर्जी, एरीज, लियो, एक्यूरियस हो सकती है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकती है किसी की बर्थ चार्ट में. एरीज, या डेफिनेटली एंड द बॉटम ऑफ द डेक जेमिनाई. सो दिस इज योर पर्सन की, या आपकी भी हो सकती है जोडियक साइन. आपकी पर्सन की इनिशियल्स देखेंगे, पाइल 3. आपकी पर्सन, ओ माय गॉड, कौन है वो? YT, ओके, YT, D, ओके, ED. कोई वर्ड फॉर्म हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएंगे, तो दूसरों को भी हेल्प होगी. UPI, ओके, NA, NRI हो सकती है कोई. A to Z, सारे इंफॉर्मेशन देंगे आपके बारे में. A to Z कुछ भी हिडन नहीं होगा आप दोनों में, सब कुछ ओपन होगा इस रिलेशनशिप में. GSG, ओके, जेड, कितनी लेटर भी यहाँ पर डबल आ रही है. V, ओके, M, Q, H, C, R,
ओ ए एफ एंड के। कुछ और लेटर्स ले लेते हैं। क्यू, अगेन डबल लेटर आ रही है सब। ओके देख लीजिए, ये उनकी इनिशियल्स है। कुछ वर्ड फॉर्म हो रही है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।